आइए बच्चों चलते हैं अगले पार्ट पर। स्पोर्ट मटेरियल 2019-2020 क्लास 10th मैथमेटिक्स और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पेंसिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा ये सभी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को फ्री अवेलेबल कराया है। मींस आपको ये मार्केट में नहीं मिलेगा क्योंकि लिखा है नॉट फॉर सेल, ठीक है, ये मार्केट के अंदर नहीं मिलेगा आपको। हाँ हालांकि आपको दूसरे और मिल सकते हैं लेकिन ये वाला आपको नहीं मिलेगा। तो बच्चों चलते हैं अगले पार्ट पर और इसमें से मैंने सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिक कर लिए हैं। आइए चलते हैं अगले, और इस सीरीज में हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखते रहें और इसमें से सीख कर दूसरों को भी खाते रहे। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर हम 31 करने वाले हैं। ये देखिए थ्री कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर सच दैट, ठीक है बच्चों यहां पर लिखा आर सच दैट द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू इज 46, फाइंड द इंटीजर्स। तो इंटीजर को हमें फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको समझना है कि लिखा हुआ क्या। देखिए यहाँ पर सच दैट द सम ऑफ, ये सम है किसका, स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट डिजिट होगा उसका स्क्वेयर एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, और जो बाकी टू नंबर बचे उनका प्रोडक्ट, मीन्स उनको मल्टीप्लाई करें और जो रिजल्ट आए उनका सम 46 बनता है, ठीक है बच्चों। आइए करना शुरू करते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले सोल 31, ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट डिजिट इक्वल टू एक्स, ठीक है बच्चों, सेकंड डिजिट इक्वल टू एक्स प्लस वन, थर्ड डिजिट एक्स प्लस टू, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं सीधा लिख देता हूं। अब इसमें लिखा कि फर्स्ट स्क्वेयर का, फर्स्ट नंबर का स्क्वेयर, ठीक है, सम है, लिखा तो सम का साइन लगा ले, प्लस लगा लेते, और अदर टू नंबर जो दिए हैं ना, अदर टू नंबर ये है, इनका प्रोडक्ट, मीन इसको ब्रैकेट में रख देते हैं ऐसे, इज इक्वल टू कितना आता है 46, ठीक है बच्चों। ये आइए करना शुरू करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस, अब एक्स को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स आ जाएगा, और फिर वन को मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट के साथ, तो वन से करते तो सेम वही नंबर आता है। आइए मैं यू का लिख लेता हूं, इज इक्वल टू 46। अब देखिए वन एक्स स्क्वेयर इधर है, वन एक्स स्क्वेयर इधर है, तो टू एक्स स्क्वेयर बन गया, और टू एक्स और वन एक्स 3x, ठीक है बच्चों, और ये प्लस टू है और इधर ये 46 है, इसको इधर ले आते हैं तो -46 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, यहां पर ये आ गया। अब देखिए वन स्टेप और कर लेते हैं, टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x और माइनस प्लस माइनस, और 46 में से टू माइनस कर देते हो 44 बचता है इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर बच्चों मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए ए और सी को मल्टीप्लाई करना है तो 44 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो आता है -88 आता है, क्योंकि माइनस का है, एक नंबर माइनस का है एक नंबर प्लस का जिसको मल्टीप्लाई किया है, लेकिन बीच मिडल में क्या है, प्लस का साइन है, तो जो भी बड़ा नंबर होगा उस पर प्लस का साइन रखेंगे। तो ऐसे टू नंबर फाइंड आउट करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 88 आए और उनको आपस में माइनस करें तो 3 आए। आइए 88 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 2 से 2 4 जा 8 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4 2 2 जा 4, 2 से, ठीक है बच्चों, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, अब ये देखिए प्राइम नंबर आ गया, तो ये नंबर आपके आ गए हैं। अब देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 और 11, जी हाँ 8 और 11 होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो 88 आता है और इनको अगर आपस में माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब इसमें बड़ा नंबर जो है वो 11 है, ग्रेट नंबर है 11, तो 11 के सामने प्लस का साइन रहने देते हैं और 8 के सामने माइनस का रख देते हैं। अब प्लस 3x की जगह हाँ भैया ये फैक्टर लिखने हैं, ठीक है बच्चों, तो 2x स्क्वेयर यहां पर प्लस 11x और -8x -44 इज इक्वल टू जीरो। अब पेयर बना के
इसमें से कॉमन नंबर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से कॉमन नंबर कोई निकल नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, तो इसमें से केवल x ही बाहर आएगा और यहाँ पर बच गया 2x plus 11। ठीक है बच्चों, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा और कॉमन, देखिए 8 की टेबल में 44 तो आएगा नहीं, लेकिन 4 आता है, 4 की टेबल दोनों आते हैं तो 4 निकालेंगे और यहाँ पर 4 2 8, तो ये 8 जो 2 पर आएगा और x यूँ का यूँ हो, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और 4 से इसको 44 को डिवाइड करते तो 11 आ जाता है, इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इस तरीके से तो एक दो ब्रैकेट से 12 उस नंबर को लिख लेते हैं और एक ब्रैकेट वाले को लिख लेते हैं और 0 की इक्वल रख देते हैं। और अगर हम देखिए यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो क्या होगी, देखिए यहाँ पर ये माइनस फोर है, इधर आकर प्लस फोर हो जाएगा और ये इधर जो है प्लस है, इधर आकर ये माइनस हो गया और 2 इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर आकर डिवाइड के फॉर्म में आ गया। तो देखिए यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव नंबर पूछा था तो ये माइनस नेगेटिव आ गया, तो ये तो नंबर हो ही सकता है, वैसे भी डिवाइड में आया, फ्रैक्शन में आया, तो ये नंबर तो होगा नहीं, तो नंबर क्या बन गया, 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर है हमारा 4 और सेकंड नंबर था बच्चों हमारा x प्लस 1। तो देखिए यहां पर x जगह x की वैल्यू और प्लस 1 यानी 5 आ गया। ठीक है, और थर्ड नंबर था हमारा बच्चों, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए x प्लस 2, यहां पर आप देख रहे हैं ये नंबर थे, तो x प्लस 2 मीन्स x की वैल्यू आई है 4, तो 4 प्लस 2 यानी 6। तो हमारे जो नंबर बन गए बच्चों वो आ गया 4, 5 और 6, ये आपके आंसर आ गए। तो बच्चों ये थी एक छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं, मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।